क्या समझ लिया था कि आइडेंटिटी फ्रॉड से बचने के लिए हम प्राइवेट ब्राउजिंग और एनानोमियस ब्राउजिंग का यूज करते हैं ठीक है हम सभी स्टूडेंट्स इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं और इंटरनेट पर सर्व करते हैं अलग अलग पर्पज से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं ढेर सारी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं क्योंकि मिलियंस में ट्रिलियंस में इंटरनेट पर वेबसाइट्स अवेलेबल है आप जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आपका आईपी एड्रेस वहां पर ट्रैक होता है अब आईपी एड्रेस क्या होता है ये भी हमने डिटेल में समझ लिया था कि जिस कंप्यूटर लैपटॉप पीसी का आप यूज कर रहे हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उस डिवाइस का एड्रेस इंटरनेट पर यूनिक एड्रेस के साथ में एग्जिस्ट करता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं जिससे आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है तो आपकी रफ जियोग्राफिक लोकेशन आईपी एड्रेस से ट्रैक हो सकती है वही हमने दूसरी बात की थी कुकीज की है ना कुकीज क्या होती है एक्चुअली थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी होती है जो आपकी इंफॉर्मेशन को आप जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है कि आप किन किन वेबसाइट को एक्सेस करते हो है ना किन किन वेबसाइट को एक्सेस करते हो क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसे एक्सेस करती है तो यहां पर एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है कुकीज में जिसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री जैसी चीजें इंक्लूड होती है तो टाइम टू टाइम कुकीज को क्लियर करते रहना चाहिए है ना तो आईपी एड्रेस कुकीज इनके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रेस किया जा सकता है अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू क्रिमिनल्स के थ्रू हैकर्स के थ्रू एडवर्टाइजर्स के थ्रू ठीक है जो वेबसाइट्स में के फॉर्मेट में इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं इसी के साथ हमने एक पॉइंट और पढ़ा था दैट इज एच टी एम एल रिफर एस टी एम एल रेफरमेंट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन लिंक्स की जिन लिंक्स पे क्लिक करने से जो ओपन वेबसाइट होती है वो अगेन आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हैं क्या कर सकती है अगेन आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है आपकी आइडेंटिटी को एक्सेस कर सकती है तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे आपकी आइडेंटिटी स्टील होने के चांसेस होते हैं किसी भी थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू या फिर किसी भी पर्टिकुलर हैकर या क्रिमिनल के थ्रू अब इनसे बचने के लिए हम जो ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट की जो इंटरनेट को सर्व करते हैं तो

आई बात समझ में मतलब आप आप चाहते हो कि आप वेबसाइट्स वेबसाइट्स को को विजिट करो बहुत सारी एक्सप्लोर करो देखो समझो ठीक है उनमें लॉग इन करो हर काम करो लेकिन उसके बदले आपका आईपी एड्रेस आपकी लोकेशन भी नहीं शेयर होना चाहिए ना आपकी कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री ना कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुकीज वगैरह के फॉर्मेट में शेयर होनी चाहिए यदि आप ऐसा चाहते हो है ना सो so, उसके लिए आपको एनानोमियस यूजर यूज बनना पड़ेगा मीन्स आपको एनानोमियस ब्राउजर्स का यूज करना पड़ेगा अब ये जो अनोनॉमियस ब्राउजर्स होते हैं बेसिकली लेट्स यूजर एक्सेस वेबसाइट्स एनोनॉमियसली यहाँ पे बेसिकली जो यूजर्स होते हैं वो वेबसाइट्स को एनानॉमीसली विजिट करते हैं एक्सेस कर फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज एज अ टूल फॉर गवर्नमेंट्स जर्नलिस्ट एंड एवरीडे सिक्योरिटी कॉन्शियस सर्फर्स मीन्स कि वो सारे यूजर्स जो चाहते हैं कि इंटरनेट को सर्व करते टाइम उनकी इंफॉमेशन उनका आई पी एड्रेस या उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो कुकीज़ के फॉर्मेट में सेव होती है उनकी जो सर्च हिस्ट्री रहती है वो कोई और यूजर या कोई और वेबसाइट एक्सेस ना करे इसके लिए वो एनानोमियस ब्राउजर्स का यूज़ करते हैं है ना उसके लिए वो बेसिकली इस टूल को एक्सेस करते हैं जैसे गवर्नमेंट जर्नलिस्ट ये बेसिकली इनका डेली में यूज करते हैं राइट अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो सेकंड तरीका होता है प्राइवेट ब्राउजिंग का अब ये प्राइवेट ब्राउजिंग क्या हुआ सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ ब्राउजिंग दैट इज प्राइवेट ब्राउजिंग प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं एक प्राइवेट वे में एक अलग तरीके से आप ब्राउजर का यूज़ करते हो नॉर्मली जैसे ही आप ब्राउजर को ओपन करते हो तो आपको ब्राउजर पे वो विंडोज स्क्रीन सब वैसे ही दिखती है जैसे दिखती है लेकिन आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर पार्ट part ब्राउजर का कोई और विंडो स्क्रीन में स्टार्ट हो जाए जो कि प्राइवेट हो जिसमें किसी और यूजर का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट ना हो ठीक है जिसमें वो सारी सर्च हिस्ट्रीज वो जो पहले आपने सर्च किया वो रिपीट ना हो सो so, इसके लिए हम प्राइवेट ब्राउजिंग का यूज़ करते हैं देयर आर अदर वेज टू यूज इंटरनेट विदाउट ट्रेवलिंग योर सर्च हिस्ट्री एंड शेयरिंग योर डेटा तो यहां पे प्राइवेट ब्राउजिंग क्या है वो अनादर तरीका है जिसकी मदद से ना तो आपकी कोई इंफॉर्मेशन रिवील होती है ना ही कोई सर्च हिस्ट्री या फिर कोई शेयर डेटा आपका शो होता है ठीक है तो प्राइवेट ब्राउजिंग भी आपकी को रिवील होने से इंटरनेट पर अदर वेबसाइट्स के थ्रू बचाता है इसमें जिस चीज का आप यूज करते हो ना वो कहलाता है इनकॉगनेटो ब्राउजिंग आपने सुना होगा इनकॉग्नेटो मोड में इनकॉगनेटो पेज में अपने ब्राउजर को ओपन करो जिससे क्या होगा जिससे यदि कोई वेब पेज ओपन नहीं भी हो रहा होगा तो हो जाता है जिससे बेसिकली यहां पे आपकी इन्फॉर्मेशन रिविल नहीं होगी तो प्राइवेट ब्राउजिंग में हम जो होती है, जो होती है, उसका यूज कर लेते हैं आपने ओपन किया ठीक है सपोज आपने कोई ब्राउजर ओपन किया ठीक है यहाँ पे तो यहां देखना ब्राउजर ओपन करने से ही यहाँ पे तीन डॉट्स आपको दिखते हैं सबसे टॉप राइट कॉर्नर पे तीन डॉट्स दिखते हैं ठीक है यहां पे जैसे ही क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है जिसमें ऑप्शन होता है यहाँ से जब सिलेक्ट कर लेते हो ना तो होता है आप जो भी काम करोगे जिस भी वेबसाइट को एक्सेस करोगे ना वो आपकी एक्टिविटी को ट्रेक नहीं कर पाएगा मीन आपकी जो इंफॉर्मेशन है आपका जो आईपी एड्रेस आपकी जितनी भी है वो रिवील नहीं होगी किसी और अदर वेबसाइट्स पर तो एक सबसे बेस्ट वे होता है कि आप अपने सिस्टम के अलावा या कभी भी किसी और सिस्टम पे या कहीं और लॉगिन करते हो या उसके वेब ब्राउजर को यूज करते हो तो अपने टास्क को एक्सेस करने के लिए अपने ब्राउजर को अपने वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप इन कॉग्निटो विंडो में ही उसे ओपन करोगे जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील ना हो इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इफ यू आर एंटरिंग सेंसिटिव डेटा देखो पर्टिकुलरली ये कब यूजफुल होता है जब आप कोई सेंसिटिव डेटा को शेयर कर रहे होते हो या सेंसिटिव डेटा एंटर कर रहे होते हो अब सेंसिटिव डेटा क्या हुआ लाइक like आपकी बैंक डिटेल्स हो गई आई पासवर्ड या फिर कोई फाइनेंशियल या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई एज इट कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर इन्फॉर्मेशन बीन सेव्ड टू दैट कंप्यूटर मदद से आप ऐसा सोचते हो कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के सिस्टम में सेव ना हो जाए या कोई और इसे एक्सेस ना कर ले जिसमें आपकी लॉग इन डिटेल्स हो सकती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेश हो सकती है बैंक की डिटेल्स हो सकती हैं तो ये सभी सेंसिटिव डेटा कहलाते हैं इनके यदि लीक होने के चांसेस हो गए तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपके लिए हार्मफुल होगा आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीक हो सकती है आपकी इंफॉर्मेशन रिवील हो सकती है ठीक है आपके बैंक अकाउंट से मनी

वेब पेज बनाया है अपनी फैमिली को सरप्राइज देने के लिए अब आप चाहते हो कि वो सरप्राइज बना रहे ठीक है थीके? उसके लिए आपने बहुत दिनों तक सर्च किया है खूब सारी कोडिंग किया है सारी चीज किया है इंटरनेट पे जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस पर काम किया हुआ है तो रोज की आपकी सर्च हिस्ट्री वहां पर शो होती होगी ना अब ये चाह आप चाहते हो कि वो आपकी फैमिली के लिए सरप्राइज बना रहे तो आप इन कॉग्नेटो मोड में उसे ओपन करके दिखा सकते हो इन कॉग्नेटो मोड में आप अपने काम को कर सकते हो जिससे वो सर्च हिस्ट्री में भी शो नहीं होगा और ना ही आपकी वो इन्फॉर्मेशन रिविल होगी अदर यूजर्स तक या अदर वेबसाइट्स तक आई बात समझ में सो सर्चिंग फॉर होटल रूम्स फॉर योर वेकेशन यदि वेकेशन पर जाते हैं तो आप सरप्राइजली किसी होटल को बुक करना चाहते हैं उसकी सर्चिंग आप इनकॉग्नेटो मोड में कर सकते हो फिलिंग एग्जामिनेशनशन फॉर्म्स एक्सेट्रा जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल कर करते जिसमें आप अपनी डिटेल अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करते हो वो भी लीक होने के चांसेस हो सकते हैं यदि आप नॉर्मल ब्राउजिंग में उसका यूज कर सकते हो तो इनकॉगनेटो मोड में जब भी आप कोई ब्राउजिंग करते हो किसी वेबसाइट को सर्च करते हो कोई सेंसिटिव को एक्सेस करते हो या इस तरीके की परफॉर्म करते हो तो वो प्राइवेट ब्राउजिंग कहलाता है ठीक है उस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन रिवील होने के चांसेस नहीं होते हैं बट दिस इंफॉर्मेशन इज स्टिल विजिबल टू योर स्कूल यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन आपने कोई एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है ना उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी चीज फिल करी स्कूल की वेबसाइट पर लेकिन आपने अपने ब्राउजर पर इनकॉग्नेटो मोड में खोला था लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके स्कूल में यूनिवर्सिटी में जो आपके स्कूल वगैरह की ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से वहां तो विजिबल होगी वहां तो स्टोर हो ही जाएगी ऑल्सो यूज प्राइवेट ब्राउजर्स एंड सर्च इंजिन सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो प्राइवेट ब्राउजर्स का या प्राइवेट सर्च इंजिन का भी यूज कर सकते हो जैसे गूगल क्रोम ये तो पॉपुलर और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाले ब्राउजर्स हैं है ना जो जनरली सभी यूज करते हैं प्राइवेट ब्राउजर में नहीं आते तो आप यहाँ पे प्राइवेट ब्राउजर्स का यूज कर सकते हो सर्च इंजन का यूज कर सकते हो जैसे डकडक गो नाम से ये जो ब्राउजर है बेसिकली ये प्राइवेट ब्राउजर है।, है ना यहाँ पे आप एनोनोमियसली सर्च कर सकते हो इंस्टेंटली कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो राइट सो होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इनकॉग्नेटो ब्राउजिंग का यूज कर रहे हो जिसमें आपकी कोई इंफॉर्मेशन रिवील होने के चांसेस नहीं होते हैं ओके okay? अब यहाँ पे आप सेकंड वे प्रॉक्सी का भी यूज कर सकते हो प्राइवेट ब्राउजिंग में एक तरीका हमने देखा इनकॉग्निटो मोड का ठीक है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग का दूसरा तरीका होता है प्रॉक्सी प्रॉक्सी क्या होता है प्रॉक्सी वर्क एज और यहाँ पे इंटरनेट है जहां पे सारी सर्विस स्टोर है अब यूजर के कंप्यूटर सिस्टम पे जो ब्राउजर ओपन है जिसमें आपने वेबसाइट को एक्सेस किया हुआ है और इंटरनेट जो आपको अलग अलग वेबसाइट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों के बीच में एक प्रॉक्सी नाम की वेबसाइट या प्रॉक्सी नाम का सर्वर काम करता है ठीक है यदि आप इन प्रॉक्सी वेबसाइट्स को या प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर लेते हो So, इससे भी आपकी इंफॉर्मेशन रिवील होने से बचती है पहला तो मोड दूसरा दु, दु, क्या बता रही हूँ काम करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बीच में कोई एक मैन बैठा है है जो आपकी इंफॉर्मेशन को बचा रहा इंटरनेट पर स्प्रेड होने से आपकी इंफॉर्मेशन को बचा रहा है इंटरनेट पर रिवील होने से आई बात समझ में सो नाउ दी ट्रैकिंग वेबसाइट विल गेट दी आई पी एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन दैट बिलोंग टू दी प्रॉक्सी साइट तो अब यहाँ पे वही वेबसाइट आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकती है एक्सेस कर सकती है जो प्रॉक्सी साइट रिलेटेड होंगी ठीक है, सपोज मैं यहां पे बात कर लूँ कि आप हो, आपने कोई वेबसाइट ओपन किया हुआ है यहां पर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है अब इंटरनेट से आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो यहां पे बीच में आपने साइट्स का यूज किया हुआ है ठीक है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉक्सी साइट से होती हुई यहां पे दूसरी इन्फॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट्स तक पहुंचेगी अब इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स है यदि उन्हें एक्सेस है कि वो प्रॉक्सी साइट को एक्सेस कर सकती है तभी आपकी इंफॉर्मेशन रिविल होगी अदरवाइज नहीं होगी आई बात समझ में तो ये भी एक सेफ और सिक्योर तरीका है अपनी इंफॉर्मेशन को रिविल होने से बचाने का सो यू आर इफेक्टिवली गेटिंग द सेम कंटेंट फ्रॉम एन अदर सोर्स विदाउट इट गेटिंग टू नो अबाउट योर ब्राउजिंग डिटेल्स सो प्रॉक्सी का मतलब भी समझ में आया और इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए स्टोर करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं अब बहुत सारी प्रॉक्सी वेबसाइट्स अवेलेबल है प्रोक्सी डॉट कॉम फॉर एवर प्रॉक्सी है ना ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सी वेबसाइट्स टूल्स अवेलेबल है जो आपको सेफ और सिक्योर ब्राउजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं राइट सो इन कॉग्नेटो विंडो ब्राउजिंग समझ लिया दूसरा प्रॉक्सी समझ लिया और थर्ड अब देखेंगे हम यहाँ पे आपके प्राइवेट ब्राउजिंग में दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का नाम भी आप सभी ने सुना होगा कोई नई टर्म नहीं है जैसे हम वीपीएन के नाम से जानते हैं आजकल मोबाइल फोन में भी वीपीएन प्रोटोकॉल या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग आपको मिलता है ठीक है अब ये होता क्या है ये भी बेसिकली सेफ और सिक्योर वे में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है आप जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो इंटरनेट पर ब्राउजर पर तो यहाँ पे जो भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है सपोज आप कुछ चैटिंग कर रहे हो चैटिंग के लिए आपने सपोज़ कोई सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम या कोई इंस्टेंट मैसेंजर का आप यूज़ कर रहे हो तो वहां पर आप कोई मैसेज कर रहे हो तो वो दूसरे यूजर तक पहुंच रहा है तो यहाँ पे वो मैसेज आपका कोई हैकर या कोई क्रिमिनल या कोई थर्ड पार्टी एक्सेस ना करे इसके लिए आप यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो ठीक है इट इज़ अ मैथड यूज टू एड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बेसिकली ये सिक्योर

होगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली इंक्रिप्शन टेक्निक्स को प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आपका मैसेज सेफ और सिक्योरली ट्रांसफर होता है रिसीवर तक आई बात समझ में तो ये जो बेसिकली मेथड होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, इट इज यूज्ड टू एड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क लाइक वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन द इंटरनेट ओके तो जब आप वाईफाई से इंटरनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हो ना तो वहां पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो मेथड है ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है इसके लिए यहां पर एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसे वर्चुअल प्राइवेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है वीपीएन प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं वीपीएन आर मोस्ट ऑफन यूज बाय कॉरपोरेशन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा बेसिकली इसको बहुत सारी कॉर्पोरेशन यूज करती है बहुत सारी कंपनीज यूज करती है बिजनेस में आप देखना इसका यूज होता है ताकि सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके देखो ये डायग्राम भी वही चीज बता रहा है इस डायग्राम में यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी जो मैंने समझाई सपोज ये आपका डिवाइस है जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहे हो डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हो ये इंटरनेट है है ना होल इंटरनेट जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है अब यहां पे देखो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम इससे कनेक्टेड है यहाँ पे बीच में वीपीएन टेक्निक काम कर रही है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज किया जा रहा है अब देखो जो भी डेटा आप इंटरनेट पर ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है जो रिसीवर तक पहुंचेगा यहाँ पे यदि कोई हैकर या कोई स्नूपर या फिर कोई क्रिमिनल बैठा होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वीपीएन उसे एक्सेस नहीं करने देता है वीपीएन उसे परमिशन नहीं देता है यदि वो इसे एक्सेस कर भी लेता है तो वो डेटा उसके किसी काम का नहीं होता है क्योंकि हम हाँ, जिस टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं वो टेक्निक होती है इनक्रिप्शन कौन सी टेक्निक यूज होती है इनक्रिप्शन जिसमें डेटा के साथ में एक की ऐड हो जाती है एक मतलब डेटा आपका लॉक होके ट्रैवल होता है और उसकी चाबी किसके पास होती है इंक्रिप्शन टेक्निक में जो भी मैसेज आप ट्रांसफर करते हो ना वो मैसेज देखा जाए तो क्या हो जाता है लॉक हो जाता है और इस लॉक की की किसके पास रहती है इस लॉक की जो चाबी होती है वो किसके पास होती है वो चाबी होती है बेसिकली रिसीवर के पास तो रिसीवर ही इस मैसेज को इस लॉक को ओपन करेगा और डेटा को डिक्रिप्ट कर लेगा ठीक है आगे बात समझ में इंक्रिप्शन टेक्निक में होता क्या है बिल्कुल इसी तरीके से वर्चुअल प्राइवेट जो नेटवर्क है जो वीपीएन टेक्निक है वो यूजफुल होती है अब इसे कहां कहां यूज किया जा रहा है तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वर ओरिजिनली मीन फॉर बिजनेस एम्प्लॉयज वर्किंग ऑफ साइड टू गेन एक्सेस टू शेयर ड्राइवर्स और नेटवर्क ठीक है तो इसे बेसिकली बिजनेस नेटवर्क में आप देखोगे यूज किया जाता है जो बिजनेस इंप्लॉयज होते हैं वो बेसिकली इसका यूज करते हैं जहां पर बिजनेस इंप्लॉइज को एक्सेस चाहिए होती है नेटवर्क में वेबसाइट्स को एक्सेस करने की अलग अलग जगह में अलग अलग ब्रांचेस पर लोकेट होते हैं बिजनेस जो एक सेम पर सेम वर्कशीट पर सेम वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं जो नेटवर्क में शेयर की जाती है तो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ सिक्योर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है नाव अ डेज यू कैन सेट अप अ वीपीएन एट होम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हैकर्स ट्राइंग टू एक्सेस योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो वीपीएन को आजकल आप अपने घर में भी सेटअप कर सकते हो जो आपका मोबाइल फोन लैपटॉप पीसी उसमें भी सेटअप कर सकते हो ताकि कोई भी हैकर आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके सो so, ये तो हमने जान लिया कुछ प्राइवेट ब्राउजिंग के बारे में अनोनोमियस ब्राउजिंग के बारे में कि क्या होता है क्या टेक्निक्स हो सकती है जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर रिवील ना हो सके ना ही आपका आई एड्रेस रिविल हो जिससे आपकी लोकेशन बद सबको पता चले ना ही आपकी कोई सर्च हिस्ट्री जो कुकीज़ के फॉर्मेट में सेव हो जाती है आई बात समझ में तो इनसे बचने के लिए हम प्राइवेट ब्राउजिंग का यूज करते हैं जिसमें हम इनकॉग्नेटिव मोड में ओपन कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं या फिर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज कर सकते हो या फिर आप प्रॉक्सी साइट्स का भी यूज कर सकते हो दिस ऑल आर दिस सेफ एंड सिक्योर मैथड्स विदाउट रिविल योर डेटा जिससे आप अपने डेटा को रिविल होने से इंटरनेट पर बचा सकते हो और अपनी आइडेंटिटी को सेफ और सिक्योर रख सकते हो सो होप आपको सारी methods अच्छे से समझ में आई और वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आया इतना ही आज के इस वीडियो में में बेसिकली यदि देखें हम इसको और डिटेल समझने के लिए तो इस पर पूरी एक बुक बनी हुई है साइबर सेफ्टी साइबर बीन्स के नाम से एक पूरी बुक आती है जिसमें हम ये सारी चीजों को और डिटेल में समझ सकते हो और डिटेल में जान सकते हैं है ना बट आपकी बुक में सिर्फ थोड़ा बहुत बताया कि कौन कौन से टेक्निक्स होती है और कैसे इनसे काम किया जाता है कैसे ये वर्क करती हैं, सो होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ चुका है सो so, आपको ना सिर्फ के ट्वेल्व बल्कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सीयूटी एनटीएस यूपी बिहार बोर्ड और एम बोर्ड की प्रिपरेशन करवाता है हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही आप यहाँ पर यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियो लैक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो मैगनी ब्रींस डॉट कॉम वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और किसी तरीके का इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं यदि आपको बुक्स ई बुक्स नोट्स ई नोट्स को एक्सेस करना है सो so, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप इजीली एक्सेस इसे कर सकते हो यदि आप कोई लेटेस्ट अपडेट या रीसेंट अपडेट चाहते हो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब जैसे पेजेस को फॉलो कर सकते हो ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल दन स्टेअर्स आप ही थैंक यू सो मच